अच्छे से, सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाई होती है इस वजह से, या आपकी परीक्षा के लिए कोचिंग बहुत जरूरी है, ट्यूशन बहुत जरूरी है, और आप जो विज्ञापन देखते हैं कि बहुत सारे दीवारों पर अखबारों के माध्यम से आपको रिजल्ट का एक विज्ञापन दिखाया जाता है कि फलाना स्कूल का 90% जो है पास परसेंटेज है या बहुत हाई परसेंटेज है। कभी आप लोगों में से किसी ने किसी सरकारी विद्यालय का विज्ञापन देखा? तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि सरकारी विद्यालय में कोई अच्छे अंकों से पास नहीं होता, या सरकारी विद्यालय में पास परसेंटेज अच्छा नहीं आता? तो आज के समय में क्या है, जिस चीज का विज्ञापन होता है वो चीज, जिस चीज का विज्ञापन नहीं होता है उस चीज की तरफ लोग कम ध्यान देते हैं। दूसरा, अगर आपसे कहें कि नहीं आप पढ़िए लेकिन फलानी किताब भी पढ़िए, तो आप सोचेंगे कि ऐसा हमसे क्यों कह रहे हैं कि यही किताब पढ़ना है। आप देखेंगे कि हो सकता है ये किताब पढ़ने से मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। चार और लोगों से आप सलाह लेना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं कोई लेना चाहता। लोगों को विश्वास इसलिए नहीं होता है कि पता नहीं सरकारी स्कूल में जाएगा बच्चा तो क्या करेगा, क्या नहीं कर पाएगा। प्राइवेट स्कूल में उनको लगता है कि अच्छे संसाधन है, अच्छी चीजें सिखाई जाती है, सारी चीजें अच्छी। लेकिन सरकारी में भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि वहां पर चीजों की कमी है या संसाधन नहीं है या शिक्षक नहीं है, सारी चीजें हैं, चॉइस है, बाकी फैसिलिटी होता है। सरकारी विद्यालय में हो सकता है आपको विद्यालय तक जाने के लिए बस विद्यालय नहीं मुहैया करवाता है, यहाँ पर है आपके दरवाजे पे बस आ जाता है, ट्रांसपोर्ट है, आपके गार्जियन है, उनको लगता है कि सिक्योरिटी, हमारा बच्चा हमारे घर से निकला और विद्यालय तक चला गया। तो ये बहुत सारी चीजें, देखिए चॉइस जो होता है, आप आगे जाएंगे कुछ लोग आप में से अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो चीज ए, मतलब कोई चीज है, दो कलम देते हैं तो आप कलम ए के मुकाबले कलम बी क्यों खरीद रहे हैं, तो चॉइस बहुत सारे उसमें, मतलब आपको क्राइटेरिया होता है उस पे आप देखते हैं कि ये करेंगे तो ये चॉइस सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई है, चीजें संसाधन के बारे में, विज्ञापन है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लोग ऐसा करते हैं।